जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में कांग्रेस के टिकट पाने के लिए आज काफी उत्साह देखने को मिला। हल्का गिल के एमएलए कुलदीप वैद के मुख्य दफ्तर पर टिकट पाने के दावेदारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस बारे में हमारे संवाददाता अभिषेक वैल ने ज्यादा जानकारी ली। पंचायती चुनावों का जिस तरह बिगुल बज चुका है और इस समय आप देख सकते हैं कि जिस तरह एमएलए कुलदीप सिंह वैद के ऑफिस में पूरी तरह लोगों का जो तांता लगा हुआ है, जी इस पर बताएं कि किस तरह लोगों में चाय। देखो, कांग्रेस की हमारी बहुत बढ़िया सरकार है। हमारे पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, सभी पंजाब के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, कांग्रेस को बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की टिकट से जो हमारी ब्लॉक समिति या जिला परिषद की चोन हो रही है उसमें वो भागीदार बने एंड वहां से इलेक्शन लड़े। लेडीज़, क्योंकि 50% हमारे कैप्टन साहब ने रिजर्वेशन की है लेडीज़ के लिए, सो लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा एंथ्यूजियाज़म है इलेक्शन लड़ने के लिए। देखो, गिल हलके में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सभी लोगों को फुल वेटेज दिया है, जिसका जितना बनता था उनको दिया है। गिल हलके में किसी तरह की हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नशे के विरुद्ध हैं। नशे के बिना पे ऊपर कोई ना इलेक्शन जीती जा सकती है, ना कोई सोचे जीतने के लिए। नशे का तो हम इतना विरोध करते हैं, हम लोगों ने कंपेन चला रखा है ये नशे के खिलाफ। देखो, मुश्किल आते हैं, हम लोग, हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हमारी जब पंचायत ये चोन हो जाएगी उसके बाद हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है। हमारे पास पैसे भी इकट्ठे हो चुके हैं, डेवलपमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास जो हमारी है वो सड़कें, हमारा सीवर सिस्टम, हमारी जो लाइटिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया होगा। हमने काम इसलिए स्टार्ट नहीं कराया कि जो हमारी पंचायत थी वो पिछली सरकार की बनी हुई थी, हम नहीं चाहते थे कि, हम चाहते ये थे कि हमारी पंचायतें बन जाएँ उसके बाद हम डेवलपमेंट का काम स्टार्ट। आप कौन से विरोधी पार्टी की बात कर रहे हो? श्रोमणी अकाली दल को तो अभी मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जो काम श्रोमणी अकाली दल ने किया है वो तो, जो नशे वाला काम था वो तो सभी दुनिया जानती है कि उन्होंने पंजाब का कैसे, पंजाब की तबाही की है। अब जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का सौदा किया है, जो हमारे गुरु हैं, जिनके लिए हम मरते हैं, जिनके लिए जीते हैं, मुझे तो अफसोस होता है कि किस बिना के ऊपर लोगों को फेस कर रहे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का ही इन्होंने सौदा कर दिया सच्चे, वो जो डेरा सरसे वाला है, ये सभी लोग जानते हैं। जसर रंजीत सिंह की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल इन बिन सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो श्रोमणी अकाली दल ने जोरा सिंह कमीशन अपॉइंट किया था उसकी रिपोर्ट भी यही है। इन लोगों ने जो जोरा सिंह कमीशन की रिपोर्ट थी उसको क्यों नहीं लागू किया, आप लोगों को पूछना चाहिए। मैंने अपने लोगों को बोला है कि जब भी कोई श्रोमणी अकाली दल का लीडर आता है ना, उससे ये दो सवाल जरूर पूछो कि जोरा सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की, वो तो इन्होंने बनाया था। और जो जस्टिस रंजीत सिंह की रिपोर्ट है, जोरा सिंह की रिपोर्ट से 100% वो मिलती है। अब ये क्वेश्चन रेज करते हैं, सभी को पता है कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने डेरा सच्चा सौदा जो राम रहीम है उसको श्री अकाल साहब से, अकाल तख्त साहब से माफ़ी दिलवाई। ये पहली बारी हिस्ट्री में हुआ है कि श्री अकाल तख्त साहब से कोई हुक्मनामा जारी हुआ हो, किसी को तनख्वाह लगी हो, एंड वो जो जिसको तनख्वाह लगी है उसको पेश ही नहीं हुआ वो बंदा, श्री अकाल तख्त साहब जाके उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, हमने उसको भी माफ़ कर दिया। ये कोई छुपाने वाली बात है? ये तो सारा पंजाब जानता है, सारा हिंदुस्तान जानता है, जो हमारे पंजाबी भाई, सिख भाईचारा वर्ल्ड में बैठे हो, सभी को पता है, ये तो कोई झूठ नहीं है। सब तो पहला तो मैं कहूँगी कि साड़ी गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने 50% ऐड की जड़ियाँ लेडीज़ वोटिंग की थी है कि असी अगे आके अपने राइट दिखा सकते हैं। मेरे एरिया में जड़ियाँ प्रॉब्लम्स ने वो छोटिया छोटिया प्रॉब्लम्स जिमें कि सड़का ही नहीं है, मेन मुद्दा सड़क नहीं है, लाइटा नहीं है उस एरिया दे विच, जिहड़ी कि कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 10 सालों तो उत्थे अकाली जिहड़ी सरकार सी उन्हां दे मुंडे उत्थे राज कर रहे सी, बट कोई भी प्रगति नहीं हुई जे असी उस एरिया विच जाके देखिए। हुण असी कांग्रेस सरकार वल्लों अपना यह मुद्दा लैके, एजेंडा लैके उस एरिए च आ रहे हां ताकि असी इस दी तरक्की कर सकीए। मैं अपनी मदर साडे खड़ने ने जिला परिषद, मैं उन्हां लई टिकट लई वैद साहब नूं कह रहा भी टिकट दित्ती जावे ते असी लोकां दा जिहड़े भी कोई काम ने लोकां दे असी पहल दे आधार ते करावांगे, भी जो भी काम ने लोकां दे सारे असी करवावांगे। मुद्दे वही हैं जी, विकास के, स्ट्रीट लाइट के, सड़कों के, सीवरेज के मुद्दे तो वही पुराने हैं। पहले नज़र में तो हम तो सभी जितना भी अपने गांववासी हैं या नगरवासी उनको साथ लेकर
जो काम भी करेंगे सारे नगर को साथ लेकर, सभी भाइयों को साथ लेकर चलेंगे। तो देखा ये हमारे साथ है कुलदीप सिंह वैद जी, तो उन्होंने बताया कि इस बार जिस तरह बेअदबी के मामले के साथ साथ इस बार नशे का जो मुद्दा है वो भी इस चुनावों में अहम रहने वाला है, कि उनका मानना है कि कोई भी जो नशा है वो इस बार गाँवों में नहीं बटने दिया जाएगा। लुधियाना से अभिषेक के साथ अमनदीप खैरा, टाइम्स पंजाब टीवी।